तो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? सो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम खेल रहे हैं अपनी SMP में। और अभी पिछले एपिसोड में तो मैं पता मैं माइनिंग कर कर आया था, तो अभी हम अपनी SMP की ओर बढ़ते हैं पहले तो। और गाइस भी पहुँचते हैं अपनी SMP में। और हमारे साथ एक न्यू गेस्ट है तनवीर, जिनको तुम गॉड ऑफ प्रो के नाम से जानते हो। तो अभी हम वहाँ पर अपनी SMP में जा रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं अपनी SMP में। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली अभी। और अपनी हम SMP में पहुंच गए। और ये घोड़ा बाहर निकल रहा है भाई, पकड़ो कोई घोड़े को। हेलो घोड़ा जी, अंदर जाइए भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है। घोड़ा अंदर जा भाई, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अंदर जा, अंदर 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 जा ही नहीं रहा। मुझे गेट तोड़ना पड़ेगा ऐसा। मैंने अपने घोड़े को मार दिया यहाँ से तोड़ते, और अंदर सारे कुत्ते बैठे हुए हैं। तू बाहर किधर मत जा रहा है, तू अभी अंदर आ। और अभी हम बैठते हैं। और वॉइस मेरा थोड़ी माउस की प्रॉब्लम है, इस कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी अंदर की ओर ऐसा सारा बंद कर देते हैं गाइस। अभी अंदर 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 अंदर। और गाइस वीडियो में हरसिमर भाई की वीडियो वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम कारण, इसीलिए उनकी वॉइस नहीं आएगी। तो अभी आपको मेरी वॉइस ही आएगी सिर्फ। तो मैंने सारा घोड़े को बंद कर दिया अंदर। और अभी हम आगे की ओर चलते हैं। और अभी हम अपने विलेजर हॉल में ट्रेडिंग अपनी SMP में आ चुके हैं, SMP के पास में आ चुके हैं। और जब अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर गए, पर ये नेटवर्क क्रैश कर, मतलब नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। और अभी नवेद इनको ये फर्नेस में काम सारा कुछ डाल रहे हैं ये। तो अभी हम ट्रेडिंग हॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गेट नहीं खुल रहा। मुझे खाने की लोड़ थी, इसलिए मैं हरसिमर भाई पास जा रहा था, पर इंटरनेट कनेक्शन ठीक ही नहीं था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और अभी देखना अभी क्या होता मेरे साथ में, अभी देखना बस। मैं तोड़ ही जाऊँगा गेट, ये टूटेगा ही नहीं गेट, इतना जिद्दी गेट है, टूटने ही नहीं वाला गेट। अभी मैं सारा, और बाद में जब मैं डिस्कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करूँगा फिर से सर्वर के अंदर, तो साथ में देख सकते हो मैं घोड़े के पास पहुंचूंगा। ये कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण वो मेरा हो नहीं पाया। और अभी ये देखो अभी ठीक हो चुका है सब कुछ, ब्लॉक्स वगैरह टूट रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और भाई और मैं इसको इस कनेक्टिविटी इशू को मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी अभी हमने साथ जोड़ दिया। और अभी हम भाई वो चुकी है, क्या कहते हैं, एक एडवांसमेंट बन चुकी है। तो अभी हम चलते हैं और अपनी SMP। और मैं मिली जो ट्रेडिंग हॉल के अंदर जा रहा हूँ खाना लेने, पर वो कह रहे हैं मैं आ चुका हूँ। मेरा फिर से वो जो फ़ोन जो कह सकते हो तुम, अभी वो ख़राब हो रही है। तो अभी माउस को उन्होंने खाना दिया, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो अभी मेरे पे खाना कलेक्ट नहीं हो रहा, तो बस इतना ही है। और ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं, फोन बेड तोड़ रहे हैं, मेरा माउस काम नहीं कर रहा अभी, तो इसीलिए मैं कनेक्ट करके फिर से डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। और गाइज मैंने अपना माइक्रोफोन को कनेक्ट करके डिसकनेक्ट भी कर फोन माई माउस को। तो अभी इट्स वर्किंग फाइन, बीच में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो तब के टाइम पर ये इशू नहीं होगा। तो अभी मैं पहले खाली कर रहा हूँ अपनी स्पेस की, मुझे खाना मिले तब के टाइम पर। तो मेरा माउस हैंग कर गया था, मिला नहीं। और मैंने कहा सिर्फ ब्रेड मिले, पत्थर ना मिले, और हमें ब्रेड मिली है फाइनली। और अभी सोच रहे हैं हम सारे कि अभी हम माइनिंग पर जाते हैं, पर रात हो रही है, तो वो सारे कह रहे हैं कि हम सबसे पहले सो जाते हैं, फिर हम कल जाएंगे सोन करने। तो बाकी हम सारी चीज़ें जितना भी कल से लेकर आए हैं, और ये चेस्ट खाली पड़ी है अभी, और सबने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो चलते हैं माइनिंग पर। मैंने एक टॉर्च ले लिया, पर उससे पहले सारे कह रहे थे कि हम सो जाते हैं पहले। और अभी मैं सो जाता हूँ, और अभी हम सो गए, अभी सारी सो जाते हैं, अभी वो सो जाएंगे तो हम भी जाएंगे अभी उसमें।
और सुबह हो चुकी है और अभी हमें फाइनली बढ़ते हैं हम अपने माइंड की ओर। बट वो सारे सोच रहे थे कि माइंड शाफ्ट जो हमने बनाई थी आपको नहीं पता होगी, बट हम उस पर जाते तो बाकी तीनों माइंड उस पर जाते हैं, बट मैं अकेली अपने वाली माइंड पर जाता हूँ। और मैं वहाँ पर अपनी वाली माइंड पर जा रहा था और लेना ये वाली माइंड हमारे लिए कितनी लकी हो जाती है। आगे आगे पूरी वीडियो देना कितनी इंजॉयमेंट होगी इस वीडियो में। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं आगे की ओर और मेरा सिर लगते हुए एकदम बूस्ट आते हुए इधर हमने एक पावर सिस्टम रेल वगैरह बना लेंगे। अब मैंने सोचा कि हम इधर से अगली माइनिंग करते हैं, तो फिर वो सारे प्रिपरेशंस कर रहे थे, मेरे पे पहले सारा सामान था, मैं इसीलिए अंदर आ गए आ इसीलिए अभी मैं यहाँ से माइन कर रहा था। डर्ट मेरे शवल नहीं थी और अभी मैं शीशा नहीं तोड़ रहा था और मेरे हाथ में टॉर्च लगा ली मैंने कि अब फाइनली मुझे इजी हो कुछ चीजें आए। तो सारे कह रहे थे इधर आ जाओ, पर मैंने कहा देखो इधर आयरन भी मिल रहा है तो तुम्हें चाहिए तो ले लो। बट वो थोड़ी देर बाद में आए थे, पर आ गए थे क्योंकि उनको डायमंड्स नहीं मिले थे और मुझे डायमंड्स मिल गए थे। और अभी मैंने कॉबल स्टोन फेंका और मैं थोड़ी आगे और माइनिंग कर रहा हूँ और ये लेवल 11 है। तो अभी अभी इस पर आगे चलते हैं। अभी मैं थोड़े से वो देख रहा था कि हमें कान पे और डायमंड्स मिल सकते हैं, तो और उन्होंने माइन करा पहला स्टोन जीत कर उनको स्टोन एज की मिल गई तनवीर भाई को। तो अभी मैं थोड़े से आके माइन करता हूँ और सामने देखना ये खतरनाक सी चीज मिलने वाली थोड़ी सी दूरी पर इधर से, थोड़ी सी दूरी पर अभी हमें खतरनाक। और मैंने सोचा कि आयरन भी ले लूँ और लैप और मेरा माउस फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ये मैंने बहुत फेस करी है इस वीडियो के दौरान, पर बट लैपिस हमें मिला नहीं क्योंकि हमारी इन्वेंट्री पहले ही फुल थी जो मिलता भी था, बट हमारे पास 64 था उससे पहले। मैंने कहा छोड़ो अभी हम अपने पिकेक्स की हेल्थ भी बिना मतलब के गिराएंगे। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मेरा माउस फिर से ये सेम प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर मैं आगे और माइनिंग कंटिन्यू कर रहा था। और अभी थोड़ा सा माइंड कंटिन्यू करते 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 आगे बढ़ते हैं अभी हम। और मैंने यहाँ पे कॉबल स्टोन प्लेस करा कि अंदर मैं गिरूंगा और आगे जाते हैं अभी हम। मैं स्टेट माइंड कर रहा था कि अभी मुझे कहीं पे तो डायमंड्स मिलेंगे ही, और मैं लेवल चेक करने लग पड़ा कि मैं इतनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ पर हमें अभी तक कोई डायमंड्स नहीं मिल रहे हैं। और आगे जाते हैं अब हम और जान दो जान दो भैया जान दो। और गाइस अभी देखते हैं और जब मैं डायमंड्स मिलेंगे तब मैं फिर आपको मिलूंगा ओके। और गाइस साथ में बाबा जी का चमत्कार हो जाता, हमें डायमंड्स मिल जाते हैं, दिख जाते हैं मेरे आंखों के सामने। और अभी तक किसी को वहां पर डायमंड्स नहीं मिले थे, मैं ऑब्सीडियन बना दिया और यहाँ पर टोटल 6 डायमंड्स थे। तो बहुत उससे मुझे 6 डायमंड्स मिल के बढ़िया से। अभी हम अंदर और माइनिंग करते हैं, देखते हैं हमें क्या और मिल सकता है। तो भी हम माइनिंग कर रहे थे और अभी थोड़ी देर आगे और डायमंड्स मिलेंगे हैं ना, तब मैं आपको मिलता हूँ। इतनी देर मैं आपको बोर थोड़ा करूँगा यार। और आगे और लावा दिखता है मुझे कि मुझे लगेगा आसपास डायमंड्स होंगे, बट यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बस खाली सी माइन थी जिसको मैंने पूरा चेक कर लिया, पर यहाँ पे मुझे कोई डायमंड्स नहीं मिले यार, स्कैम हो गया अपने साथ। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला डायमंड मिलने के बाद तुम्हें मिलूंगा मैं। गाइस फिर से बाबा जी का चमत्कार होते हुए हमें और डायमंड्स मिलते हुए जो किसी को ना दिखे, और उसके बाद अब जाकर सबको विश्वास हो जाएगा कि इसके अंदर और इस माइन के अंदर और डायमंड्स है। तो सारे बाबा जी का चमत्कार मानकर इस माइन में आ जाते हैं और मेरी हेल्थ लो हो रही तो मैं खा लेता हूँ, मैं बाय मिस्टेक हेल्थ रीजनरेट कर रहा हूँ। तो अभी आगे और डायमंड्स मिलते तो फिर मैं आपको फिर से मिलता हूँ। गाइस फिर से बाबू जी का चमत्कार होते हुए इस बार हमें 8 3 पता नहीं इसी बार 16, अब 16 हो जाते हैं डायमंड्स या 18। इसके बाद अब जो डायमंड्स मिलेंगे वो बहुत देर बाद मिलेंगे, एटलीस्ट इतनी देर बाद वो डायमंड्स मिलने वाले हैं ना कि तुम उसकी जगह को देख लोगे ना तुम्हारा दिमाग फटने वाला है। तो इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी। तो अभी जब तक और डायमंड्स नहीं मिलते या कोई किसी और को डायमंड्स नहीं मिलते तो इतनी देर मैं और काम नहीं कर सकता।
तो यार मिलता हूँ मम्मी को उनके बाद डायमंड्स, मुझे अगली बार डायमंड्स मिलने के बाद। और गाइस इसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज कारण मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाया। बाय बाय।